हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जाम डॉट कॉम में, जो कि देता है अपडेट सबसे पहले पाना हो किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की अपडेट या किसी एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की जानकारी। एक नाम याद कर लीजिए, सरकारी एग्जाम डॉट कॉम। दोस्तों सरकारी एग्जाम डॉट कॉम ही देता है सभी वेबसाइटों से सबसे पहले और सबसे तेज अपडेट, इसलिए गूगल पे हमेशा ओपन करें सरकारी एग्जाम डॉट कॉम। अब सरकारी एग्जाम अपडेट पाइए अपने व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पे। जी हाँ दोस्तों, अपने व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पे अपडेट पाने के लिए आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, सरकारी एग्जाम डॉट कॉम टाइप करना है, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। नीचे जब आप यहाँ पे आएंगे तो व्हाट्सएप के जरिए पाइए सरकारी एग्जाम अपडेट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा सरकारी एग्जाम अपडेट रिसीव करें व्हाट्सएप पे। नीचे ग्रीन कलर का एक इमेज होगा ज्वाइन व्हाट्सएप, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक और पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ज्वाइन चैट लिखा हुआ है, इस ज्वाइन चैट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ज्वाइन चैट पे क्लिक करेंगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और आपको व्हाट्सएप पे अपडेट मिलने लगेगी। ये फीचर अभी नया ही है तो फटाफट से हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाइए। अब तक 5000 से ज़्यादा बच्चे इस ग्रुप से जुड़ चुके हैं तो आप भी ये मौका मत गवाइएगा, फटाफट से हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाइए और अपने मोबाइल पे अपडेट पाइए सरकारी जॉब्स की, एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की या किसी एडमिशन फॉर्म की, सिलेबस एग्जाम पैटर्न सारी अपडेट मिलेगी, डायरेक्ट लिंक मिलेगा आपको व्हाट्सएप के थ्रू। तो फटाफट से अभी आइए और ज्वाइन व्हाट्सएप पे जाके जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा कि अब जो है सरकारी एग्जाम दे रहा है व्हाट्सएप पे अपडेट। तो आज के इस वीडियो में अब हम बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट और नई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की जो अपडेट है आपको बता दें कि रेलवे में एक नई भर्ती आने वाली है और साथ में RRB ग्रुप डी रिजल्ट और पेट को लेकर क्या अपडेट है आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो जो पहले नई भर्ती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट 2022.5 लाख पोस्ट कमिंग सून। तो हम आपको बता दें कि रेलवे में फरवरी और मार्च के महीने में आने वाली है 1.5 लाख पदों पे वैकेंसी, इसकी जानकारी खुद रेल मिनिस्टर ने दी है अपने ट्विटर हैंडल पे। जी हाँ दोस्तों, आप भी जाके देख सकते हैं उनके ट्विटर हैंडल पे है, रेलवे में बहुत ही जल्द 1.5 लाख पदों पे वैकेंसी आने वाली है। हम आपको दिखा भी देते हैं उनका ट्विटर हैंडल, यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट उनका लेके लगाया भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 लाख, जूम भी कर देते हैं आपके लिए, 3.5 लाख रिक्रूटमेंट इन इंडियन रेलवे बिटवीन 2014-22 विथ मोर देन 43,000 एवरेज एनुअली वैकेंसी इन ए कैलेंडर। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3.5 लाख जो वैकेंसी है 2014 से 22 तक अब तक रेलवे ने निकाली है रेलवे बोर्ड के अंतर्गत। अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 43,000 वैकेंसी हर साल रेलवे दे रही है लोगों को, ठीक है। तो अब अप्रॉक्स 1.5 लाख और पद खाली हैं रेलवे के अंदर, जिसके लिए जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी है रेलवे बोर्ड ने और बहुत ही जल्द फरवरी मार्च आगामी आने वाले महीनों में आपको 1.5 लाख वैकेंसी की सौगात मिलने वाली है। अभी इस वैकेंसी के अंतर्गत पोस्ट कौन कौन से होने वाले हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो ऊपर जब हम आएंगे तो यहाँ वैकेंसी की सारी डिटेल दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट नेम। तो इस भर्ती के अंतर्गत रेलवे के सारे डिपार्टमेंट को इस बार लिया गया है, ये कोई ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं होगी, ये कोई LP की वैकेंसी नहीं होगी, NTPC की वैकेंसी नहीं होगी, इस बार कंबाइंड वैकेंसी निकलने वाली है TT की, जो कि कई सालों से रुकी हुई है, स्टेशन मास्टर की वो भी कई सालों से वैकेंसी रुकी हुई है, RPF कांस्टेबल SI काफ़ी लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, 9,000-12,000 वैकेंसी की नोटिस आके रद्द हो चुकी है, लेकिन इस बार मार्च फरवरी में वो वैकेंसी आने वाली है। साथ में आपका आने वाला है ग्रुप डी में और वैकेंसी, NTPC में एक बार फिर वैकेंसी आने वाली है, ALP के अंतर्गत एक बार फिर वैकेंसी निकलने वाली है। यानी देखा जाए तो रेलवे के विभिन्न डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस बार बम्पर वैकेंसी आनी है 1.5 लाख पदों पे, जिसके अंतर्गत आप TT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ALP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, NTPC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, RPF कॉन्स्टेबल SI के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी 10वीं पास से लेकर स्नातक परास्नातक तक के छात्र सभी के लिए इस बार मौका होने वाला है रेलवे में नौकरी पाने का। इससे अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे प्ले स्टोर ऐप को अभी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए सरकारी एग्जाम ऑफिशियली ऐप के नाम से, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब तो हम जो अपडेट है वो व्हाट्सएप पे भी देने लगे हैं, तो व्हाट्सएप चैट जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन व्हाट्सएप पे आके
ज्वाइन कर लीजिए। हमने पेज अवेलेबल करा दिया है सरकारीexam.com पे। अब व्हाट्सएप के जरिए पाइए सरकारी एग्जाम अपडेट, इस पर आपको आना है। ये पेज ओपन हो जाएगा ग्रीन कलर की, ये पट्टी में आपको लिखा है ज्वाइन व्हाट्सएप, इसी पे आपको क्लिक करना है, कहीं और नहीं जाना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ज्वाइन चैट का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जुड़ जाना है हमारे ग्रुप से। और रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी हुई तमाम अपडेट, पेपर, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब प्रोवाइड कराया जाएगा आपको इस ग्रुप के अंतर्गत। अब तक हजारों बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, ये नया फीचर है, कल ही लॉन्च हुआ, अब तक हजारों बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। तो आप भी पीछे मत रहिए, अभी अपना फ़ोन उठाइए और ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, रेलवे ग्रुप डी में जो है इस बार जो वैकेंसी है 1.5 लाख पदों पे, पोस्ट मैंने बता दिया, एजुकेशन मैंने बता दिया, और ये वैकेंसी आने वाली है फरवरी मार्च के अंतर्गत, क्योंकि जो भी रेलवे की वैकेंसी आती है वो फरवरी मार्च में ही आती है। जैसा कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, साथ में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको पता ही होगा कि जितनी वैकेंसी आज रेलवे निकाली है फरवरी मार्च के अंतर्गत ही बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। तो फरवरी मार्च में एक बार फिर 1.5 लाख पदों की सौगात मिलने वाली है रेलवे की तरफ से। तो तैयार हो जाइए और जुड़ जाइए सरकारी एग्जाम से और पाते रहिए रेलवे वैकेंसी की पल पल की अपडेट। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर, कि रिजल्ट को लेकर क्या है इस समय माहौल, क्या कब आएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट बता दें कि इसी महीने आ सकता है आपका रिजल्ट, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं न्यूज चैनल वाले, ठीक है, क्योंकि अभी तक RRB की जो वेबसाइट है उस पर कोई अपडेट नहीं है, ना रेलवे मिनिस्टर की तरफ से कोई अपडेट आया है, ना रेल मंत्रालय की तरफ से कोई अपडेट आया है रिजल्ट को लेकर। लेकिन जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले, वो बता रहे हैं कि नवंबर लास्ट में जो आपका है रिजल्ट आ जाएगा। हाल ही का मैंने बताया था कि जो आपका रिजल्ट है वो दिसंबर में आने वाला है। काफ़ी सारे बच्चों ने मेरा वो भी किया था, कमेंट करके बताया था कि सर आप गलत बता रहे हैं, गलत न्यूज़ दे रहे हैं, रिजल्ट जो है आपका दिसंबर में नहीं आएगा, वो पहले ही आ जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जो रिजल्ट है हमारे अकॉर्डिंग, हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो दिसंबर में ही आपका आएगा। भले ही मीडिया बोल रही है नवंबर में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम आपको बता दें कि आपका रिजल्ट लिख कर ले लीजिए, दिसंबर में ही आएगा। तो तैयार हो जाइए अपने रिजल्ट के लिए, बस 15-20 दिन की और देरी है, आपका रिजल्ट भी आपके सामने होगा। हम इसकी रोज की अपडेट आपको देते रहेंगे, उसके लिए आप हमारा प्ले स्टोर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, साथ में व्हाट्सएप पे भी अब जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।